नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरिजा स्टडी डॉट नाइन पे। एम ए एग्जामिनेशन यानी CBLU यूनिवर्सिटी से जो विद्यार्थी एम ए हिस्ट्री कर रहे हैं उनके लिए सेकंड सेमेस्टर में जो आने वाले अभी सेकंड सेम के जो पेपर होंगे उनमें उनकी सहायता के लिए हमने ये मई 2019 का पेपर अपनी वीडियो में अपलोड किया है। ठीक है, जानकारी के लिए यानी आगे सेकंड सेम में किस प्रकार का पेपर आएगा इसके लिए हमने 2019 का पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये पेपर है आयरन एज सिविलाइजेशन का। ठीक है, लो युगीन सभ्यताएं, आयरन एज सिविलाइजेशन, और ये पेपर भी 3 आवर्स का है और इसके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं ये हैं 80। ठीक है, 2019 में ऑफलाइन माध्यम से पेपर होते थे, अब की बार का पता नहीं कि सेकंड सेम के जो एग्ज़ाम हैं ये ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन माध्यम से होंगे। ठीक है, फर्स्ट सेम के ऑनलाइन माध्यम से हुए हैं और सेकंड सेम का क्या पता ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, इसके लिए हमने ये 2019 का पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखिए, इसमें दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में टोटल 4 इकाइयाँ हैं और जो प्रश्न संख्या 1 है वो सभी को करनी जरूरी है यानी अनिवार्य है, और बाद में जो बाद की इकाइयां हैं उनमें से प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न चूज करके आपको उसका आंसर देना है और सभी प्रश्नों के अंक जो हैं वो समान हैं। अब देखिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 8 आपको पॉइंट दिए गए हैं यानी इन 8ों पर आपको टिप्पणियाँ करनी हैं, यानी ये लघु उत्तरीय प्रश्न, इस पर छोटे छोटे आंसर आपको पेश करने। गांधार समाधियाँ, मैराथन का युद्ध, भगवानपुरा, संघोरा समाधि, कोटिया, द्वितीय नगरीकरण, सीनेट, यानी इन सभी क्वेश्चन पर आपको क्या करनी है, यानी ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन पर आपको टिप्पणियाँ करनी हैं। इस प्रकार से जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका पूरा होगा, यानी 8×2, ये जो 8 पॉइंट्स दिए गए हैं ये 2-2 नंबर के आपको लिखने हैं, यानी एक जो कोटिया है, संघोरा, ये जो भी है सीनेट है, सेकंड अर्बनाइजेशन, हित्ती एम्पायर, गंधार ग्रेव, वार ऑफ मैराथन, भगवानपुरा, इन पर आपको शॉर्ट में टिप्पणी करनी है जिसके आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद देखिए, यूनिट जो फर्स्ट है इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, सेकंड और थर्ड। इसमें क्या है, विश्व में लो युग की प्राचीनता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और इसी के अथवा में क्या दिया गया है, मध्य एशिया की लो युगीन संस्कृतियां पर संस्कृति पर टिप्पणी लिखिए, यानी इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन है। अब देखिए सेकंड यूनिट, भारत में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन द सैलियंट फीचर ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर इन इंडिया। इसके अथवा में क्या है, महापाषाणिक समाधियों से क्या अभिप्राय है, यानी महापाषाणिक समाधियों से आप क्या समझते हैं, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक करना है। अब देखिए थर्ड यूनिट यानी इसमें 6th क्वेश्चन है, कौन सा, प्राचीन यूनान में प्रजातंत्र के विकास का वर्णन कीजिए, प्राचीन यूनान में प्रजातंत्र के विकास का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में है मियोन क्रिट, यानी ब्रैकेट में क्या है, क्रिट, डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनोन क्रेट सिविलाइजेशन। 7th क्वेश्चन है, मियोन सभ्यता के उद्भव एवं विकास का वर्णन कीजिए, यानी 6ठे क्वेश्चन और 7वें क्वेश्चन में से आप कोई भी कर सकते हैं। अब देखिए यूनिट 4th, 8वां क्वेश्चन है, रोमन गणतंत्र साम्राज्य के उद्भव का वर्णन कीजिए, और 9वां क्वेश्चन है इसके अथवा में, रोमन सभ्यता के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए, यानी 8वां क्वेश्चन है रोमन गणतंत्र साम्राज्य के उद्भव और 9वां है रोमन सभ्यता के पतन के कारण, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। ये आपका क्वेश्चन पेपर रहा आयरन एज सिविलाइजेशन। ठीक है, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।